सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। मेरा सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया, गोपनीयता तोड़ी। केवल वही और कोई नहीं बता सकता था अनिल अंबानी को कि मैं वहां पे जाकर HAL को बाहर कर दूंगा और एक तरफा फैसला 36 जहाज का करूंगा और आप डसॉल्ट से बात कर लें। पिछले कई दिनों से जो विषय चर्चा में है, और मैं कहूं तो कई महीनों से, आप उससे भलीभांति परिचित हैं, और वो इस देश के अंदर मौजूदा सरकार का और पिछली एक पूरी, मैं कहूं दशक का नहीं बल्कि शताब्दी का एक सबसे बड़ा घोटाला देश के सामने आया है। जो राफेल लड़ाकू विमान की खरीद से संबंधित है, सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री की वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं, वित्त मंत्री बार बार, और जितनी बार बोलते हैं प्रधानमंत्री और सरकार के लिए कुछ और सवाल और परेशानियां पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उनको कानून का मालूम है, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। सोच के बयान देना चाहिए। देश की रक्षा मंत्री एक तो अहंकार में डूबी हैं, कड़वी जबान रखती हैं, देश के शहीदों और महान नेताओं का अपमान करती हैं जो उन्होंने कल किया, और निरंतर बिना झिझक के झूठ बोलते हैं। एक बार गलती से गलत बयानी हो वो शायद माफी मिल जाती है, पर अगर सोच समझ के बार बार झूठ को दोहराया जाए, उससे मोदी सरकार की नीयत, चेहरा, सोच और चरित्र सामने आता है। कल कानून मंत्री ने भी प्रधानमंत्री के पक्ष में बयान दिया, उसका जवाब आपको मिला रणदीप सुरजेवाला जी ने। मेरे असीधे सवाल प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री क्यों मौन है? जो हर विषय पे बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के प्रधान प्रचारक हैं, जब आरोप सीधा उन पर है, उनकी तरफ से कोई और नहीं बोल सकता, उनको स्वयं को जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि 2007 में जो RFP गई थी ग्लोबल टेंडर की, उसके बाद 2012 में राफेल कंपनी को L1 होने के नाते चुन लिया गया था, और प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमेटी ने बातचीत करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के हर पन्ने पर दोनों सरकारों के दस्तखत हो चुके थे। केवल लाइफ साइकिल कॉस्ट का विषय लंबित था फाइनेंस के पास। तो इसलिए यह सवाल है कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले अगर आप देखें, यह समझौता तय हो चुका था, और 13 मार्च 2014 को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और डसॉल्ट के बीच में वर्क शेयर एग्रीमेंट हो चुका था।
ये डसॉल्ट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में है जो छपा हुआ है, आपको दिया जा चुका है। हम आज की बात पे नहीं सुनेंगे किसी की, हम उस छपी हुई रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम उस वर्कशेयर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो भारत ने रजामंदी दी अपनी दो देशों के बीच में था। हम उस ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं जो भारत ने इशू किया था। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो देश में जो भी रक्षा के लिए खरीदा चाहता है उसको मापदंड तय करती है। प्रश्न ये है कि जब ये सब कुछ हो चुका था और ये टेंडर में साफ है कि भारत को क्या जरूरत थी, कौन से हथियार चाहिए, कौन से मिसाइल्स, कौन से एवियोनिक्स, आज जो सरकार गोपनीयता गोपनीयता बोलती है, टेंडर डॉक्यूमेंट में सब लिखा जाता है तभी बिड किया जाता है कि कौन सी कंपनी उसके लिए सक्षम है ऐसा जहाज हमको देने की। हमने बताया आपको कई बार 6 कंपनियों के बिड्स आए थे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के माध्यम से जो मंगाई जाती हैं, और आखिर में 3 शॉर्टलिस्ट हुई थी और फाइनल जो प्राइस नेगोशिएशन 2 से हुई थी, जो यूरोफाइटर टाइफून है और राफेल डसॉल्ट कंपनी का है, ग्रिपेन स्वीडन का जो तीसरा जहाज था जो शॉर्टलिस्ट में था वो वापस हट गया था। 6 देश जो इसमें आए थे वो सवाल अभी करेंगे, और उसके बाद जो प्रक्रिया है आप इस चीज को देखें, तारीख को गौर से देखें कि 25 मार्च 2015 को जो बताया गया आपको, एरिक ट्रेपियर जो सीईओ हैं जो सॉल्ट के, उन्होंने भारत की वायुसेना के मुखिया और एचएएल के जो उस वक्त के चेयरमैन थे उनकी मौजूदगी में एक बयान दिया 25 मार्च, और क्या बयान था कि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है और केवल उस पे हस्ताक्षर बाकी। उसके बाद मेरा प्रश्न है प्रधानमंत्री से सीधा कि कैसे ये बात किसी को पता लगी कि प्रधानमंत्री जाएंगे और उल्टा करेंगे। देश के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को कोई जानकारी नहीं थी, वायुसेना के चीफ और वायुसेना के मुख्यालय को नहीं पता था, और जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं ये अनिवार्य होता है कि विदेश सचिव साथ जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथ जाते हैं, और उस देश में आपके राजदूत से पहले से पूरी बातचीत होती है ताकि वो उधर की सरकार से बातचीत करके रखें। सरकारें ऐसे नहीं जाती, पर्यटन के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाते। भारत के विदेश सचिव ने 8 अप्रैल को कहा प्रश्न के उत्तर में, मैं दोहरा रहा हूं ये बातें हो चुकी, जयशंकर ने, कि देश के प्रधानमंत्री बायलेटरल दौरे पे जा रहे हैं फ्रांस, और वो राफेल समझौते की बात नहीं करने जा रहे, देश के प्रधानमंत्री रक्षा सौदे तय नहीं करते। उनको यह अधिकार दिया गया था कहने का, कोई भी विदेश सचिव, मैं रहा हूँ विदेश मंत्रालय का मंत्री, विदेश सचिव सरकार की रूप तरफ से अधिकृत बयान देते हैं, स्वयं नहीं देते। तो ये बयान दिया गया, उस समय के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये समझौता तय हो चुका है, ये रक्षा मंत्री को साथ नहीं लेके गए। आज वो स्थिति में भी नहीं है कि अपना भी स्पष्टीकरण दें, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। और 10 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, तो घटनाक्रम देखिए, किसी को नहीं मालूम देश में कि क्या होना, विदेश सचिव को नहीं मालूम, रक्षा सचिव को नहीं मालूम,
वायुसेना को नहीं मालूम, कैबिनेट को नहीं मालूम, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई, और 28 मार्च को यहां पे कंपनी रजिस्टर हो जाती है जिनका कोई अनुभव नहीं एरोस्पेस के लिए, लड़ाकू विमान उसके हथियार पुर्जे बनाने के लिए, और वो कंपनी अनिल अंबानी की है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।